गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तथा अधातु। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये बात मैं आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को 3 वर्गों में बांट रखा है, एक धातु है, अधातु है और उपधातु है। तो हमने पढ़ना है धातु तथा अधातु, क्योंकि पाठ का नाम है धातु तथा अधातु। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस पाठ का जो नाम होता है उसमें वही पढ़ना होता है। तो इस पाठ में भी हमने धातु अधातु क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनके उपयोग वगैरह, ये सब कुछ पढ़ना है। तो हम धातु से शुरू करते हैं कि धातु क्या होते हैं। देखो धातु क्या है, जनरली हम जो देखते हैं लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु हैं। लेकिन इन धातुओं के कुछ गुण हैं, हम इनको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो धातु क्या है, कोई भी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना सकता है। मतलब क्या, 9th क्लास में जब हमने परमाणु की संरचना पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा नहीं होता, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं परमाणु संरचना में, जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाते हैं, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जिसका भी ये बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भरता, हो सकता इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसमें अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। किस लिए, ताकि ये स्टेबल हो सके, मतलब इसका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा रह जाए, इसलिए यह अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मतलब तत्व क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, किस लिए, अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए। तो जिसके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन को देना आसान होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन जिनके कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं लेकिन इनके लिए 5 देना मुश्किल है, 3 लेना आसान है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 2 ले सकता है, ये 1 ले सकता है। तो जिनके बाहरी कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और उनके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लेना आसान होता है। जबकि जिनके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, देखो जो नाभिक होता है या पूरा परमाणु जब होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों इक्वल होते हैं, तो पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि एक दूसरे को उदासीन कर देंगे तो पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो माइनस का चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया, तो ज्यादा क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए जो तत्व इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके अंदर प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऐसे, तो वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनको बोलते हैं धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं, धन आयन मतलब धन आयन होते हैं कैटायन को, इंग्लिश में कैटायन होता है, मतलब जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, प्लस का निशान होता है, उनको बोलते हैं धनायन। या जिनके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। सोना, चांदी, तांबा, ये सब, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब धातु हैं। क्यों, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अब देखो जिनके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं, जिनके बाहरी कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, इसलिए वो या ना तो धातु होता ना ही अधातु होता है, उसको बोलते हैं उभयधातु या फिर उपधातु। जो धातु में होती है वो इलेक्ट्रॉन दे देगी, जिनके पास बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है तो वो 1 दे देगी, तो उनके ऊपर 1 प्लस, 2 देने वाले के ऊपर 2 प्लस,
तीन देने वाले युग्मक 3+ तो सभी धातु में इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। ठीक है भाई, विद्युत धनात्मक होती है धातु में। विद्युत धनात्मक का मतलब है अगर कोई धातु किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेती है तो वो इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन का निर्माण कर सकती है, मतलब कैटायन का निर्माण कर सकती है। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब मैं इसको इलेक्ट्रॉनों को अगर बांटूं तो पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 2 आएंगे। देखो 12 कक्ष में कितने चाहिए, 8 के पास इतने 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा Mg2+। इसको बोलते हैं धन आयन या कैटायन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खोके इसने धन आयन बना लिया। क्यों? तो कहने का मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जो जिसके पास अधिक धन होता है वो धन दे सकता है, तो देने वाले के ऊपर आता है धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो कोई चीज ले लेगा तो उसके ऊपर तो कर्ज चढ़ जाएगा, ऋण चढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर आता है ऋण आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए। तो धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रो विद्युत धनात्मक मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में धातुओं को डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना लेती है। पृथ्वी में सबसे अधिक मिलने वाली धातु है एल्यूमिनियम। भाई पृथ्वी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे अधिक मिलने वाली धातु है एल्यूमिनियम, 60% मिलती है। उसके बाद जो जिसका नंबर आता है वो होती है 4% लोहा, सबसे ज्यादा मिलती है एल्यूमिनियम, उसके बाद मिलती है लोहा। तो ये मैंने बता दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो अर्थ क्रस्ट में भू परपर्टी में धरती में जो धातुएं मिलती हैं उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे अधिक मिलती है एल्यूमिनियम, उसके बाद मिलती है आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है भाई, ये तो बात होगी, मैंने सिर्फ अभी परिभाषा बताई है किसकी, धातु की जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना लेती है, या सीधी सी भाषा में कहें जिनके बारे कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु इसके विपरीत, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बनाएंगे उनको अधातु बोलते हैं, या फिर ये कहेंगे जिनके बारे कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं अधातु। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब ये रासायनिक क्रिया में भाग लेंगी तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आवेश बना लेती हैं। उदाहरण है कुछ अधातुओं के, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ऋण आवेश बनाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसी अधातु है जो अपना इलेक्ट्रॉन देती है और धन आवेश बनाती है। कुल 22 अधातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं। इन 22 अधातुओं में से 10 ऐसी हैं जो ठोस अवस्था में मिलती है, एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में मिलती है जिसको बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, पेपर में आता है ये। और 11 ऐसी अधातु हैं जो गैस के रूप में मिलती है, मतलब देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये सब गैस के रूप में मिलती है। विद्युत ऋणात्मक होती है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बनाती है, मैं बता चुका हूँ। केवल हाइड्रोजन ऐसी अधातु है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, ये एक्सेप्शन है। सबसे अधिक अधातु जो पृथ्वी में मिलती है वो है ऑक्सीजन, या फिर जनरली हम अगर हम कहें 118 तत्वों की भी बात कर लेना तो सभी 118 तत्वों में सबसे अधिक तत्व जो पृथ्वी में मिलता है वो ऑक्सीजन ही होता है। तो अगर सिर्फ अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना, 50%। उसके बाद सिलिकन का नंबर आता है कितना, 26%। ठीक है भाई, पृथ्वी पर बहुत बड़ा भाग अधातुओं से बनता है। देखो वैसे तो अधातुएं केवल 22 हैं, संख्या में सिर्फ 22 है, लेकिन इस पृथ्वी पे ज्यादातर चीजें अधातुओं से बनती है। कैसे, जैसे वायु की बात करें तो वायु में 78% तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, और इसमें 21% क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, अधातु है। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। कहने का मतलब क्या है, पूरे के पूरे वायुमंडल में ज्यादातर वायुमंडल का निर्माण किसने कर दिया, अधातुओं ने निर्माण कर दिया।
अगर हम जल की बात करें, देखो पूरी पृथ्वी पे 71% पार्ट जो है वो पानी से गिरा हुआ है, 71% भाग पृथ्वी का जल से गिरा हुआ है। और जल का निर्माण भी किससे हुआ, जल का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ। ये दोनों ही क्या है, अधातु है। तो देखो पृथ्वी पानी से ही गिरी हुई है लगभग, और पानी किससे बना, अधातु से। तो हम कह सकते हैं कि अधातुओं ने पूरी पृथ्वी को घेर रखा है। यहाँ तक ये तो वायु की बात होगी, जल की बात होगी, पृथ्वी में भी देखो ऑक्सीजन कितनी है 50% और सिलिकॉन कितनी है 26%। तो सबसे अधिक तो अधातु हैं। तो धातु तो बहुत कम है, अधातु बहुत अधिक है। तो ये तो थोड़ी सी जनरल बात मैंने बताई धातु और अधातु की। अब हम शुरू करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। देखो भाई गुण होते हैं दो तरह के, कौन कौन से, एक होते हैं रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी वस्तु के रंग रूप आकार आकृति में अगर परिवर्तन आ जाए तो वो होते हैं भौतिक गुण। मतलब बाहरी गुण, बाहरी गुण मतलब जैसे मैं बाहर से कैसा दिखता हूँ, गोरा दिखता हूँ कि काला दिखता हूँ, कि भाई लंबा दिखता हूँ कि छोटा दिखता हूँ, मोटा दिखता हूँ कि पतला दिखता हूँ, ये भौतिक गुण है। शेप कैसी है, चकोर है कि आयताकार है कि वर्गाकार है, ये सब भौतिक गुण होते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है अंदर क्या चीज है, उसके अंदर आंतरिक गुण क्या है। काट के देखेंगे मेरे अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या क्या चीजें हैं, या ऑक्सीजन से क्या अभिक्रिया करके क्या किस चीज का निर्माण हो सकता है, वो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बाहरी गुण पढ़ेंगे सिर्फ, अभी रासायनिक गुण नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भौतिक गुण किसके, धातुओं के। तो सबसे पहला आता है ठोस, सभी धातु में ठोस है, पता है हमें सभी धातु में ठोस है। लोहे को देख लो, सोना चांदी किसी को भी उठा के देख लो आप, ठोस लगेगी आपको, कठोर लगेगी। लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो ठोस अवस्था में नहीं होती और वो पेपर में बहुत आती है, कौन सी है वो धातु, और वो है पारा। ठीक है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं मिलती, जो द्रव अवस्था में मिलती है। ठीक है भाई, उसके बाद सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है धातुएं। हम इनको चाकू से काटने की कोशिश करो, देखो लोहे की कोई छड़ ले लो उसको चाकू से काटने की कोशिश करो तो चाकू से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या है, बहुत ही सख्त है। लेकिन एक्सेप्शन है जो पेपर में आते हैं, सोडियम और पोटासियम ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मजबूत, मजबूती मतलब स्ट्रेंथ, धातुएं अत्यधिक मजबूत होती हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हैवी वेट को ये बर्दाश्त कर सकती है, तभी धातुओं का प्रयोग पुलों के निर्माण में किया जाता है। मतलब इतनी हैवी हैवी मशीनरी को उठा के ये चल लेते हैं, मतलब जितनी भी मशीन हम बनाते हैं कितना हैवी लोड ये अपने ऊपर उठा के ले जा सकती है, या पुल जो होते हैं वो कितने हैवी लोड को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो धातुओं से बनाए जाते हैं और धातुओं की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत अधिक होती है। देखो भी मैं जो भी गुण बता रहा हूँ इन गुणों के आधार पे ही इनके वैसे ही उपयोग भी होते हैं। जैसे अगर वो ठोस है तो ठोस होने के कारण उसके उपयोग हैं, क्या क्या उपयोग है, ठोस है तभी तो हम धातुओं के उपयोग कर रहे हैं, हमने धातुओं से बर्तन बना लिए, हमने धातुओं से गाड़ियों के पुर्जे बना लिए। ठीक है ना, उसके बाद सख्त है, हार्ड है, चाकू से नहीं काट सकते, तभी तो हमने उससे निर्माण किया, बर्तनों का निर्माण किया या औजारों का निर्माण कर लिया। अगर वो द्रव होता तो कैसे कर लेते, नहीं कर लेते। तो मतलब कहने का उनमें जो भी गुण है उन गुणों के आधार पर उसके उपयोग है। जैसे मजबूत है, स्ट्रेंथ है, तो उसकी स्ट्रेंथ होने के कारण ही उसका प्रयोग पुलों के निर्माण में करते हैं या बर्तन बनाने में करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी वेट को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद अघात वर्धता, इम्पोर्टेंट है अघात वर्धता। अघात का मतलब होता है चोट, वर्धता मतलब बढ़ना। मतलब धातुओं का यह ऐसा गुण होता है जिसमें अगर धातुओं को हम किसी हथौड़े से पीटें तो वो फ्लैट हो जाएंगी, चादर में बदल जाएगी, इसको बोलते हैं अघात वर्धता। तो धातु होती है अघात वर्ध्य, ठीक है, इसको आघात वर्धनीयता भी बोल देते हैं, मतलब चोट मारने से वो फैल जाएंगे और उनसे चदर बन जाएगी, इसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता। सोना सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है, मतलब अगर हम सोने को चोट मारेंगे तो उसकी ज्यादा लंबी चदर बन जाएगी। उससे कम कौन है, चांदी है, उससे कम कौन है, एल्यूमिनियम, उससे कम कौन है,
कॉपर है, मतलब अब इनको पीटने से ये चतर में बदल जाती है। तो इसके इसी गुण का प्रयोग हम करते हैं किस में, फॉइल बनाने में, एल्युमिनियम की फॉइल बनाने में या चांदी की फॉइल बनाने में। जो वो पतली सी परत होती है ना मिठाइयों पे ढकी रहती है चांदी की, देखो कितनी पतली होती है, वो चांदी की बनी होती है। या फिर एल्युमिनियम फॉइल होती है जिसमें हम खाने को अपने खाने को लपेट के ले जाते हैं ना ताकि वो गर्म रहे। क्यों लपेट के ले जाते हैं, क्योंकि जो एल्युमिनियम होती है वह है लाइट की, मतलब उष्मा की अच्छी परावर्तक होती है, उसको बाहर नहीं जाने देती, वापिस धकेल देती है, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो लोहा होता है उसकी चदरों का भी तो प्रयोग करते हैं हम। देखो लोहे को टिन के साथ मिला के हम मिश्र धातु की चदर बना लेंगे, जिसका प्रयोग छत बनाने के लिए करते हैं। तो यही होता है, मतलब जैसा उसमें गुण है वैसे उसके उपयोग है। अब है तन्यता, वेरी इंपॉर्टेंट, तन्यता। डक्टाइल मतलब धातुएं, मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं डक्टाइल होती हैं, तन्य होती हैं। मतलब क्या, हम उनको खींच कर उनसे तार बना सकते हैं। आपने देखा होगा तांबे के तारों को, देखा होगा चांदी के तार को, देखा होगा एल्यूमिनियम के तार को, देखा होगा। तो इनको खींच कर हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं के इसी गुण को तन्यता बोलते हैं, और इसी गुण के कारण हम उनका प्रयोग तार बनाने में करते हैं। देखो कितनी लंबी लंबी तारें गई हुई हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिजली को पहुंचाने के लिए हम तारों का प्रयोग करते हैं, और सभी तारें धातुओं की बनती है। चांदी सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब चांदी सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। चांदी उसके बाद आता नंबर, फिर कॉपर का, तांबे का, फिर एल्यूमिनियम का नंबर आता है। तो सोना जो होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसके एक ग्राम टुकड़े से 2 किलोमीटर लंबा तार बना जा सकता है, ये इतनी तन्य धातु है। देख लो, एक ग्राम, सिर्फ एक ग्राम सोना लिया, अगर हम उसको खींच दें तो इतना पतला तार बनेगा कि 2 किलोमीटर तक चला जाएगा। लेकिन अब सोना तो बहुत महंगा है ना, कॉस्टली है, तो इसका प्रयोग हम तार बनाने में नहीं करते। चांदी भी बहुत अधिक कॉस्टली है तो इसका भी प्रयोग नहीं करते। अगर खंभे पे लगा देंगे चांदी को तो लोग उठा इसको उखाड़ के ले जाएंगे खंभे को, तो या सोने को लगा देंगे तो घरों में आग लगाएंगे, सुबह मिलेगा नहीं। ऐसे ही है, इंडियन लोगों का यही काम होता है। तो तांबा जो होता है, तांबे का प्रयोग करते हैं हम तार बनाने में, या फिर एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, मतलब इनसे कंपेरिजन में ये कम महंगी है, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखो, इस अघात वर्धता, इस गुण के कारण और तन्यता के कारण धातुओं को अलग अलग रूपों में डाला जा सकता है, अलग अलग आकृति में बदला जा सकता है, और यही कारण है कि हमें धातुएं अलग अलग रूप में मिलती है। देखो कितनी सारी चीजें मिलती हैं धातुओं की, चदर के रूप में मिलती है या तार के रूप में मिलती है। इन दो गुणों के कारण ही धातुओं को अलग अलग आकृति या आकार में डाल सकते हैं। अब है विद्युत तथा उष्मा की सुचालक, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। मतलब एक तार को तुम इस बल स्विच में लगाओ और एक तार को हाथ में ले लो और बटन दबा दो, क्या होगा, झटका लगेगा, जोर का झटका, बहुत जोर का झटका लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, विद्युत की क्या होगी, सुचालक, मतलब इसके अंदर से विद्युत धारा गुजर सकती है। जो तार हमने बनाए थे अभी, वे तार किस लिए बनाए थे, विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तो बनाए थे। तो मतलब क्या है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं उष्मा की भी सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक कैसे होती है, हम एक प्रयोग द्वारा दिखा सकते हैं। किसको दिखा सकते हैं कि धातु उष्मा की सुचालक होती है, इसको एक प्रयोग द्वारा दिखा सकते हैं। कैसे, एक स्टैंड ले लो, ये स्टैंड ले लिया, और एक लोहे की रोड ले लो, लोहे की रोड को इस स्टैंड पे लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने मोम लगा दिया नीचे, और इस मोम के साथ इसमें पिन, कुछ पिन लगा दी इस रोड के साथ, मोम चिपका दिया और उसमें कुछ पिन इसके साथ अटैच कर दी, ये पिन लगा दी, ये पिन ऐसे लटकी हुई है। अब यहाँ से हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे, ये गर्म करेंगे यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये मोम पिघलना शुरू कर देगा। तो पिघलना शुरू करेगा तो ये पिन नीचे गिरना शुरू करेंगी, तो ये पिन नीचे गिर जाएगी, पहले ये पिन गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है गर्म यहाँ से किया था तो उष्मा इसमें से चलती हुई यहाँ पहुंची, पहले यहाँ पहुंची, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्यों, पहले ये गिरेगी, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब है उष्मा इसमें से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गई है, मतलब जहां अधिक उष्मा है वहां से कम उष्मा की तरफ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं।
ठीक है भाई, चांदी सबसे अधिक विद्युत की सुचालक है, याद रखना विद्युत की। उसके बाद तांबे का नंबर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। विद्युत की बैड कंडक्टर मतलब कम जो चालक धातु है वो है सीसा, लेड। उसके बाद अभी धात्विक चमक, धात्विक चमक, धात्विक चमक का मतलब है प्रत्येक धातु में अपनी एक चमक होती है। जब नई धातु हम लेके आते हैं तो उसमें एक अलग सी चमक होती है, वो चमकती है। उस चमक के कारण ही वो प्रकाश की परावर्तक होती है, मतलब जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो टकराव कर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। तो उसकी इस गुण के कारण, मतलब वो चमकती है, इस गुण के कारण उसकी सतह ज़्यादा चिकनी है और जिसके कारण वह प्रकाश को हमारी तरफ धकेल देती है, मतलब प्रकाश उस पर पड़ेगा और टकरा के उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में हम खड़े होते हैं। तो धात्विक चमक प्रकाश की परावर्तक बन जाती है, ठीक है, धात्विक चमक के कारण। लेकिन कुछ समय रखने के बाद धातुएं इतनी ज़्यादा चमकीली नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि भाई धातुएं जो होती हैं वो होती हैं क्रियाशील। अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वायुमंडल में उपस्थित जल या अलग अलग गैसों के साथ अभिक्रिया करके वह ऑक्साइड का निर्माण कर सकती है, या कार्बोनेट का निर्माण कर सकती है, या सल्फाइड का निर्माण कर सकती है। तो किसी भी चीज़ का निर्माण कर लेगी और वो परत उसके ऊपर जम जाएगी और उसके बाद वह इतनी चमकीली दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम रेगमार्क का प्रयोग करके उस परत को निकाल दें तो धातु फिर से चमकना शुरू कर देती है, मतलब कहने का वो उनका अपना गुण है, ठीक है। उसके बाद है उच्च गलनांक तथा क्वथनांक, धातुओं का गलनांक मतलब वह तापमान जिस पर धातु में गलना शुरू करती है, पिघलना शुरू करती है, उसको बोलते हैं गलनांक, ठीक है। जिस तापमान पर धातुएं पिघलना शुरू करती है वो कहलाता है गलनांक। तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है, मतलब क्या, अगर हम देखें जैसे आयरन का, लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस पे धातु को गर्म करोगे ना लोहे को, तब जाके वो द्रव अवस्था में बदलेगी, क्योंकि लोहा तो ठोस है और जब अगर हम उसको द्रव अवस्था में करना चाहें, बदलना चाहें, तो उसको गर्म करना पड़ेगा। तो कितना गर्म करना पड़ेगा, 1535 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो पिघलना शुरू करता है। अभी तो पिघलना शुरू किया है, उबलना शुरू नहीं किया। तो गलनांक होता है वह तापमान जिस पे पिघलना शुरू करता है, और क्वथनांक होता है वह तापमान जिस पे कोई द्रव उबलना शुरू करता है। तो लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, कॉपर का, तांबे का होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है, कुछ धातु ऐसी भी है जिनका गलनांक कम भी होता है, जैसे सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस है, और पोटासियम का 64 डिग्री सेल्सियस है, गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस है, सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनको अगर हम अपनी हथेली पे रख लेंगे तो ये पिघल जाएंगी। क्यों पिघल जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और इनका गलनांक कितना है, गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमारे शरीर का तापमान उनके गलनांक से अधिक है, तो ये तो हथेली पे रखते ही पिघल जाएंगी। उसके बाद है धात्विक घनत्व, धात्विक घनत्व का मतलब है जो धातुएं होती हैं इनका घनत्व अधिक होता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती है। देखो पानी का घनत्व 1 माना जाता है, और लोहे का घनत्व कितना है, लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लोहे का कितना घनत्व हो गया 7.8, पानी का कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लोहे का कितना 7.8। जिस भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है वो पानी में डूब जाती है, इसका मतलब लोहे का तो पानी से बहुत ज्यादा होगा, तो लोहा तो पानी में डूब ही जाएगा। लेकिन सभी धातुओं का घनत्व अधिक नहीं होता, कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनका घनत्व कम भी है, जैसे सोडियम और पोटासियम। सोडियम का कितना है 0.97 का, 0.97 का मतलब 1 से कम है, इसका मतलब ये पानी में तैरेगी, क्योंकि पानी का घनत्व 1 है तो इसका पानी से कम हो गया। पोटासियम का 0.86 है, इसका मतलब इसका भी 1 से कम है, तो ये भी पानी पे तैरेगी, ठीक है। ध्वनिक, अगला भौतिक गुण क्या होगा धातुओं का, ध्वनिक, ध्वनिक मतलब सोनोरस। अगर हम धातुओं को पीटते हैं तो उनमें से एक अलग सी आवाज आएगी, हर एक धातु को, हर एक धातु की अपनी एक आवाज होती है।
इसलिए इनका प्रयोग घंटी बनाने के लिए करते हैं। मंदिर में घंटी बना बजती है ना, उनको हीट करेंगे एकदम तो वो आवाज पैदा करके, या स्कूल में जो बेल बजाई जाती है या घंटी बजाई जाती है तो उसमें भी धातु का प्रयोग करते हैं, थोड़े से उसको मारेंगे तो देखो कितनी आवाज पैदा होगी। तो वो धातुओं का अपना गुण है, तो इस गुण को बोलते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती है, सोनोरस होती है। ठीक है भाई, तो ये सभी थे धातुओं के भौतिक गुण। देखो अभी तक मैंने कहीं भी धातु की किसी चीज से अभिक्रिया करके नहीं बताया, इसका मतलब ये सभी सिर्फ भौतिक गुण है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें जो एक्सेप्शन है, जैसे सभी धातु में ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन एक धातु ऐसी जो द्रव अवस्था में जो पारा होती है, सबसे विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक जो होती है वो चांदी होती है, सबसे अघात वर्ध्य धातु जो होती है वो सोना होती है, और सबसे बैड कंडक्टर जो है मतलब विद्युत की सबसे बुरी चालक कौन सी है, वो सीसा होती है। ठीक है भाई, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है, अघात वर्ध्य भी सोना होती है, बात समझा गई। तो ये एक्सेप्शन आप लोगों को याद करने, जो भी एक्सेप्शन जैसे अधातु में ज्यादातर जो होती है वो ठोस या गैस अवस्था में मिलती है, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में मिलती है वो होती है ब्रोमीन। तो इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं, ये परिभाषाएं भी पेपर में आ जाती है कि तन्यता क्या होती है, अघात वर्ध्यता क्या होती है, या धात्विक चमक का क्या मतलब है। ठीक है भाई, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आती तो बार बार देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को अगर आधा देखोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना, वीडियो को पूरा देखोगे तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।